एक रिपोर्ट। वैसे तो आपने कुर्सी की ताकत, कुर्सी का रौब देखा होगा कि ओहदों पर पहुंचकर इंसान कितना मगरूर हो जाता है, मालिक बन जाता है। लेकिन बारा के कलेक्टर साहब ने कुर्सी के गुमान में अपने कॉलर नहीं उठाए, बल्कि गरीबों से मोहब्बत कर ली। कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह महीने में चार दिन गांवों के दौरे पर रहते हैं, घर का बना देसी घी का हलवा आंगनबाड़ी केंद्रों पर ले जाते हैं और बच्चों के बीच बैठकर उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। डेफिनेटली हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि भी पार्टिसिपेट करते हैं, आंगनबाड़ी आशा सेवकनी स्वयं अपने घर से कई बार बना के लाते हैं। और हमने तो ये कह रखा है कि इस तरह की व्यवस्थाएं करवाएं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे हफ्ते में एक दिन कम से कम बच्चों को अच्छा खाना मिले। आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। कलेक्टर साहब ने इस पहल की शुरुआत 8 महीने पहले की थी, जो अब और रंग लाने लगी है। अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अब इससे जुड़ने लगे हैं। वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर गरीब बच्चों को घर का बना हलवा खिलाते हैं। 6-7 महीने हो गए, लगातार 6-7 महीने से हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि आम जन को भी मैं इसके लिए प्रेरित करूं, ताकि एक आंगनबाड़ी के क्षेत्र में अगर 50 लोग भी तैयार हो जाते हैं तो हर हफ्ते बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा, जिससे उनका प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन ठीक होगा। कलेक्टर एसपी सिंह कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर पौष्टिक भोजन मिल सके और बच्चों के चेहरों पर खुशी आ सके, ये भी उनकी कोशिश है। कलेक्टर साहब की इस पहल की हर तरफ सराहना होती है तो आम लोग भी अब इसे मुहिम बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। राम प्रसाद मेहता, जी मीडिया, 12।